समस्त नारी सशक्तिकरण हमारे समाज में जब से
बच्ची एक परिवार में जन्म लेती है, तब से उसके माँ बाप सोचना चालू कर देते हैं कि ये बच्ची बड़ी होकर खुद की पैर पे खड़ी रहनी चाहिए, चाहे बिजनेस में चाहे कोई एजुकेशन में। ये हमारे समाज का मूल मंत्र है नारी सशक्तिकरण। और वुमेन डेवलपमेंट के लिए काफी स्किल किस तरह से दिया जा रहा है, आज काफी कैंप लगाया गया। देखो ये सब मेक इन इंडिया का एक प्रमोट है कि होममेड खुद के घर में या खुद के फैक्ट्री में या मुख्य उद्योग में जो स्मॉल उद्योग है उन पे मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे एक प्रदर्शनी है, आगे जाके इसका फायदा पूरे समाज को और पूरी नारी शक्ति को मिल सकता है। इस तरीके से महिला शक्ति को प्रमोट करने के लिए, नारी शक्ति को प्रमोट करने के लिए हमारा अच्छी भावी सेवा जेंडर फाउंडेशन मिल के पूरे इंडिया में गुजरात में हर जगह पे ऐसे प्रोग्राम करके नारी शक्ति को मजबूत करने का काम करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, कम्युनिटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विमेन को आगे बढ़ने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हम कहने के लिए ये चाहेंगे कि धर्मशाली सेवा समाज ट्रस्ट जो हमारी मातृसंस्था है, उस मातृसंस्था ने जो जेडल को प्रमोट किया है, जेडल बोले तो हमारे में एक सहेली होता है जो वुमेन्स को हम लोग प्रोत्साहन देते हैं, तो जो हमारी मातृसंस्था है उसने हमें एक मौका दिया है जेडल परिवार को कि आप आगे आइए हम आपके साथ हैं। और इस आज अष्टमी के दिन इस कार्यक्रम का रखने का उद्देश्य इन लोगों का यही था जेडल फाउंडेशन का, कि सब जो महिलाएँ हैं तो मोदी साहब ने हमें कहा है कि आत्मनिर्भर हमें होना चाहिए, तो वो आत्मनिर्भर के बेस के ऊपर हमने ये महिलाओं को ऑप्शन दिया है और इसमें हमारी मातृसंस्था ने हमें जो सहायता की है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये हमारे प्रेम की भाई भानुशाली हैं जो हमारी मातृसंस्था है कच्ची भानुशाली सेवा समाज ट्रस्ट, उनके ट्रस्टी हैं एंड ये करीबन 30 से ज़्यादा साल हो गए इस ट्रस्ट की पद के ऊपर हैं और उन्होंने समाज को शून्य से सृजन करते हुए देखा है। सर क्या कहना चाहोगे, आपने काफ़ी बड़ा योगदान दिया इस ट्रस्ट को, अब किस तरह से आगे की क्या प्लानिंग है कई सारी महिलाओं को आगे लेके जाने के? इनका कहना है ये थोड़ा सुनते कम है, इनका ऐसा कहना है कि जो कार्यक्रम आज यहाँ पे हमारा हुआ है वैसे ही कार्यक्रम अभी और हम वापी वलसाड़ गुजरात में भी काफ़ी जगहों पे करने वाले हैं और मुंबई में भी जैसे हमारी दूसरे संस्था एरियाज हैं, डोंबिवली है, कल्याण है, विठलवाड़ी है, वहाँ पर भी करने वाले हैं, ऐसा इनके ऑलरेडी माइंड में है, आगे इस प्रोग्राम को और बढ़ाएंगे। सर जैसे ये हमारी जो जेडल संस्था है ये सिर्फ भानुशाली कम्युनिटी या गुजराती कम्युनिटी के लिए काम नहीं करती है, ये सब लोगों के लिए काम करती है। जैसे हम लोग मेहंदी क्लासेस चलाते हैं, सीवन क्लासेस चलाते हैं, मैंने जेडल फाउंडेशन ऑलरेडी जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ भी होता है, तो जैसे उत्तराखंड में फ्लड आया था तो जेडल फाउंडेशन के सारे कार्यकर्ता वहाँ गए थे, फिर जैसे बिहार में फ्लड आया था तो वहाँ पे गए थे, जैसे साउथ में फ्लड आया था तो वहाँ पे भी गए थे। तो ये जेडल फाउंडेशन जो हमारी संस्था है ये सिर्फ कम्युनिटी के लिए नहीं बट सबके लिए काम करती है और इसमें हमें हमारा मातृसंस्था का पूरा सहयोग है। भानुशाली है, पिछले 17 साल से हम ये संस्था चला रहे हैं और ये संस्था हम लेडीज़ के लिए है, तो लेडीज़ आज घर से बाहर निकलती है, अपने आत्मनिर्भरता जो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है, हम उसको इंस्पिरेशन दे रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं हम और जेडल वैसे बहुत से सारे काम करती है, इसमें से एक अच्छा सा काम छोटे बच्चों की फीस भरते हैं, 40 लड़के जेडल के नाम पे पढ़ते हैं और स्वइंग मशीन हम लोग दे रहे हैं जो लीडी लेडीज़ है जो उनको, और ब्यूटी क्लासेस, मेहंदी क्लासेस, नेल आर्ट्स और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी है इनके, जैसे कि ड्राइविंग सिखाएंगे, मेकिंग सिखाएंगे लेडीज़ को और ब्यूटी क्या सब लोग। मैम आपका नाम बताइए और कितने सालों से आप जुड़े हैं और कितना चेंज आया है उस ऑर्गेनाइजेशन में, कितना चेंज आया है?
मेरा नाम भारती भानुशाली है, भारती गजरा भानुशाली, और हम लोग 17 साल से जनरल की संस्था में जुड़े हुए हैं। पहले तो हम लोग एंटरटेनमेंट करते थे, सबको इकट्ठा करने के लिए कुछ तो एट्रैक्शन होना चाहिए। पहले हम लोग रास गरबा कुछ फंक्शन लेते थे, फिर रसोई का ये मिलीस बना के हम लोग कॉम्पिटिशन रखते थे। लेकिन अब का समय ऐसा है जो हर लेडीज़ को बाहर आना है और आत्मनिर्भर बनना है, हम उनको बाहर निकालने के लिए प्रेरणा देंगे। और ऐसा नहीं है ज़रूरतमंद वो ही बाहर निकलना है, लेकिन जो जिसमें जो कला है, जिस लेडीज़ों में कला है उनकी कला भी बाहर निकलनी चाहिए। तो हम लोग उनको निकालने के लिए ये सब फंक्शन रख रहे हैं, कॉम्पिटिशन रख रहे हैं। तो आगे अभी हम लोग बहुत सारा करने वाले हैं लेडीज़ के लिए। चेंज हुआ आपकी बहुत, हम लोग को जब भी पता चला ये चालू होने वाला है तो सब बोला आप लोग सब बाहर आओ, बाहर की दुनिया क्या है, पूरा घर में बाहर निकलते हैं। ये सब हमारे शुरू से छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम रखते थे, ये सब फन किया है, फिर फैशन शो किया, ये सब प्रोग्राम जो जिनकी जो टैलेंट है वो मैम आप बताइए, आपका नाम बताइए। मैं सिर्फ मनीषा भद्रा इस संस्था से 16 साल से जुड़े हुए हैं, और जब संस्था चालू हुई जेडल मीन्स क्या है, तो जेडल एक नाम है पांडे बहन के परिवार कच्ची में, तो हम सब लेडीजों को साथ में लेके चल रहे हैं। एक इतना ह्यूज फर्क आ गया है कि 2005 में जो हमने जेडल का काम स्टार्ट किया था और आज हम 2022 में जो कर रहे हैं उसमें ड्रास्टिक चेंज आया है। अभी हम लोगों ने सब डिजिटलाइजेशन किया है, यूथ को लिया है, और हम लोगों का नॉट ओनली हमारी कम्युनिटी के लिए बट हम लोग और लोगों के लिए भी और कम्युनिटी से भी जुड़े हुए हैं, हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, और आगे भी जेडल काफ़ी सारे महिलाओं के वुमेन एम्पावरमेंट के जितने हो सकेंगे उतने काम करने की कोशिश करेंगी। आज का ये जो हमारा फनफेयर है, लाइव म्यूजिक है, लाइव फूड है, इसमें काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और दे आर वेरी मच हैप्पी कि उन लोगों को अभी से इतनी दोपहर में इतनी गर्मी में भी उनको बहुत ही एक्सट्रीम उन लोगों को रिस्पॉन्स मिला है। तो वी आर हैप्पी विद जेडल, और हम लोगों के जेडल के आगे भी ऐसे ही होते रहे। थैंक यू। मैं जामनगर गुजरात से आ रहा हूँ, मेरा नाम अशोक पटाल है। मैं 3 साल पहले जो भानुशाली समाज द्वारा आयोजित बिग आइडिया समिट में भी स्टॉल मैंने लगाया था। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमने छोटे से शुरुआत की थी बिग आइडिया समिट से, सेवा समाज जो औरतों को प्रोत्साहन दे रही है, छोटे व्यापारियों को उनको बिजनेस बढ़े, उनकी शक्ति डेवलप हो, हमने भी छोटे से शुरुआत की थी और अब बड़े पैमाने पे बिजनेस कर रहे हैं। हमारा खुद का चाय का ब्रांड है देवकिस्ती, और इसमें हम 3 क्वालिटी बनाते हैं, एक है केसरी सियन, रेड सियन और देवकिस्ती। पहले हमने देवकिस्ती से शुरुआत की थी, अभी 3 ब्रांड पे पहुंच गए। ये समाज जो छोटे लोगों को प्रोत्साहन दे रही है उसकी वजह से एक ब्रांड से चालू करके हम 3 ब्रांड पे पहुंच गए। समाज का ये हमारे पे बहुत बड़ा ऋण है। हमने अपना स्टॉल रखा है, मतलब पर्सनली हमारा स्टॉल नहीं है, हमारे गाँव की लेडीज के लिए है जो ये इससे सीखेंगे नहीं, हम हर किसी को इंडिपेंडेंट होना है, उनके लिए कोई जरूरत नहीं है। छोटा सा फैमिली का स्टॉल है जो मैं भी हर भानुशाली लेडीज को आता है, जिससे वो कुछ भी अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं। ये हमारे गाँव के लिए लेडीज के लिए, लेकिन ये हुआ सबसे आप जुड़े हैं।
मेराबेली का स्टॉल है, हम सब साथ में ही हैं, हम सब लेडीज जो बना के हमारे गांव को मिला है, हमारे मेराबेली ये सबको आता है, लेकिन हम लोग कुछ एक से आगे जाना चाहते हैं कि सब लोग मिल के भी कर सकते हैं, सौ से कर सकते हैं, इसके लिए एक आत्मनिर्भर बनने के लिए, लेकिन हम ये प्लेटफॉर्म जेडल ने दिया, जिससे हम लोग आगे अभी जहाँ भी ये लोग देखिए ये ना पहली बार हमारे गांव में हमारा बनाया अभी जस्ट 2-3 महीनों पहले होता है लेकिन रेडी से माध्यम से हुआ था, ऐसा ही कार्यक्रम आज जेडल ने यहाँ पे किया है और
जेडल के आज 17 साल पूरे भी हुए हैं और इसी तरह वो कार्य करते रहे और महिलाओं को मोटिवेट करते रहे। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल में देख रही हूँ और हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी का भी स्वप्न है कि आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल, इस तरीके से जो काम हो रहा है और यहाँ पे महिलाओं जो एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे कर रही है, इसके लिए मैं जेडल को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और सभी पार्टिसिपेंट को बहुत ही शुभकामना देती हूँ। ऐसे ही सब आगे बढ़े और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैम आपका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, बताया जा रहा था, क्या कहना चाहूँगी जी? मैं महिलाओं के लिए पिछले 28 साल से काम कर रही हूँ, कॉर्पोरेटर के रूप में भी, और कॉर्पोरेटर नहीं तो तभी भी महिलाओं से मैं जुड़ी हूँ पिछले 28 साल से। और जिस तरीके से कहीं भी कुछ भी करने से महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो वो सारे कार्य करने के लिए मैं हमेशा महिलाओं को मोटिवेट करती हूँ। और ये सारी जो भानुशाली समाज की जो महिला आज मेरे साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है, उन सभी महिलाओं को मैं शुभकामना देते हुए यही कहूँगी कि आने वाले समय के अंदर भी जो भी मेरी मदद की महिलाओं के लिए कोई भी कार्यक्रम में ज़रूरत रहेगी, मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ। मेरा नाम रश्मि अमृतवाला है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं लास्ट 17 ईयर से जेडल ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। भानुशाली समाज का ये जो जेडल ग्रुप है, उन्होंने काफ़ी 17 साल में काफ़ी लेडीज़ों को आगे काम दिया है और आगे बढ़ाया है और हमेशा ये प्रोग्राम में मैं इन्वाइटेड रही हूँ। ताकि नारी जो आगे बढ़ रही है और नारी को जो विल पावर जो कहते हैं, तो जेडल ग्रुप की लेडीज़ काफ़ी सारा हुआ काम में हेल्प करती है। कहाँ लेडीज़ हैं और आज कहाँ कहाँ पहुँच रही हैं, तो वो लोग उनको मोटिवेशन भी बहुत अच्छी तरह दे रहे हैं। तो जेडल ग्रुप को तो मैं खूब अच्छी से जानती हूँ। जेडल ग्रुप का महिलाओं का जो एक संगठन है, जो ये कमेटी है, जो एक एकता बने हुए, तो वो लोग सबको साथ में लेके चलते हैं। तो जेडल ग्रुप को हमेशा, जेडल ग्रुप के साथ हमेशा हम जुड़े हुए ही रहेंगे और आशा करते हैं कि और आगे उनका नाम ऑल ऑफ कंट्री में जेडल ग्रुप जाए और उनका एक एक का जो काम है वो उनका प्रदर्शित करें और अच्छा आगे बढ़े। क्या आपका भी कोई स्टॉल है, मुझे आप बताना चाहिए? मेरा नाम निहारी कश्यप, मैं सोशल मीडिया हूँ। मैं घाटोपर में बहुत सी महिला संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ और जेडल ग्रुप में मुझे सालों से इन्वाइट किया जाता है। जिस तरह का, जैसे मैं वुमन एम्पावरमेंट के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, उस हिसाब से मुझे यहाँ पे और यहाँ की सारी टीम विद्या चंद्रागढ़ की और इतनी सारी टीम जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं वुमन एम्पावरमेंट के लिए, युवा को वुमन एम्पावरमेंट के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत से अलग अलग कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। जिस तरह से आज ही निकले, जैसे स्वयं मशीन हो, ये सारे कैसे कोरोना के वक्त जो लेडीज इस सब घर पर ही बैठे व्यवसाय कर सकती है, उन चीज़ उनके लिए उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से प्रोत्साहित किया कि लेकिन ऑन ऑफ का चला सकते हैं। जैसे बहुत सी सारी एंटिटीज को मोटिवेट करते हैं एंड लेट्स ऑफ जेडल को इस तरह की सारी प्रोग्राम सारी प्रोजेक्ट्स कर रही हैं एंड उनका जहाँ भी उनको कोई भी अगर इस चीज़ में हेल्प चाहिए या कहीं पर भी चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर विद द जेडल। मेरा नाम प्रकाश है, मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन अभी मैंने बेकिंग का स्टार्ट किया है और जेडल से तो काफ़ी पुराना टाइम से रिलेशन है। इनके फाउंडर मेरे हुआ आपने अपना बेकिंग का चालू किया, तो उसके बारे में आप बताना चाहेंगे यहाँ पर आने से कितना फ़ायदा हुआ? तो मैंने स्टार्ट किया लॉकडाउन में, लेकिन लॉकडाउन में कैसे इतने इवेंट्स और सब होते हैं, इनके लिए इतना मौका नहीं मिलता था लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का। जेडल के लिए हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला गया है जहाँ हम जगह पुराने सारे लोगों से मुलाकात करके उनका फीडबैक ले सकते हैं, उनको अपना सेल्फ एम्प्लॉय का यहाँ क्या है आपको मतलब? वो तो अभी पानी चली है तो वो बिजनेस लाइफ में ही है हमारे। मैम आप बताइए आपका भी कितना स्टॉल है क्या? आपने बैकबोन है मेरी, आपने कितना प्रोत्साहन किया है?
शॉल, बेबी ब्लैंकेट, टोहर, कम्फर्टर, जिसका मैंने आज फर्स्ट टाइम लगाया है। ये जेनरल फाउंडेशन के द्वारा जो हमें ये लेडीज लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है, आगे बढ़ाते हुए हमको अच्छा लग रहा है कि इतनी खुशी हो रही है कि इतना सारा क्राउड देख के हमको भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ आके कुछ ना कुछ तो हासिल होगा। सेम सेम, हम दोनों देवरानी जेठानी मिलके एक ही बिजनेस पे एक ही स्टॉल पे दोनों काम कर रहे हैं। किस तरह से आप लोगों ने सोचा ये प्लान, कुछ अगर आप बता सके बिजनेस स्टार्ट करने का? जी, ये हम लोग को इनके जेनरल फाउंडेशन के द्वारा ही मतलब इन्होंने हमको आगे बढ़ने के लिए बोला कि आप ये स्टॉल आप बना सकते हो, आप कर सकते हो, उसके वजह से और लोगों को भी प्रोत्साहित करने को उनको भी अच्छा लगेगा। इस तरह से जो हमने घर में जो लेडीज़ लोग काम करती हैं तो उनको भी आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। इसके लिए ये हमें ये सोचा कि हरिओम मणिके रचना शेटिया फाउंडर डायरेक्टर ऑफ बिस्ले योगा स्टूडियो। अजू इवेंटरी ने बहुत बहुत खुशी किया थी कि पांजी नाता जी नंदी थी करीने बड़ी हर एक व्यक्ति इतनी उत्साहित है। अड़ा जी टीम पंजे खड़े पगे उभी है, हर एक की मदद करला, नंदे थी वड़े मणि की संभाला, साथे कदम थी कदम मलाला। इन्हें मुझे बहुत खुशी किया थी मन नंदी वस्तु ना है। हर एक स्त्री हटा पंजो फैमिली के एडजस्ट करी ने, पंजा टाइम टेबल एडजस्ट करी ने, समय एन इवेंट ला कटे ने, ये बहुत बड़ी बात है। अने आफ्टर कोरोना हर एक घर के अकड़े वुमन एंटरप्रेनर की जरूरत है, जो पंजे फैमिली के सपोर्ट करी सके, जो पंजी एबिलिटीज के बधारी सके। अने जेडर एना करे हर एक चीज करी रही है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल बाइक, इट्स अ वेरी बिग डे। थ्री चीयर्स टू जेडर। Empowerment of everybody is not only the women but
also the nation will be developed, and we together will be growing the entire plan of women empowerment. Thank you so much. आपका नाम बताइए. और
योगदान देने के लिए आए हैं और जैनल का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, और एक नहीं बहुत सारे फ्रेंड्स को जोड़ के एक प्लेटफॉर्म देना बिजनेस के लिए ग्राहक की जरूरत रहती है। और यहाँ के जो भी बहुत सारे जैनल इकट्ठा होती है तो बहुत सारा अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म है बिजनेस, और बहुत सारा यहाँ मिलता है। मेरी उनको शुभकामनाएँ रहती है और उनको प्रोत्साहन देने के लिए मैं हर साल। मैम आपने स्टॉल देखा होगा, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको कुछ अगर आप बता सकें? देखो मैं खुद महिला हूँ और यहाँ पे 99% महिलाओं ने स्टॉल लगाया है और वो सब लेडीज के लिए फेवरेट चीज़ है, चाहे कोई स्टेशनरी हो, चाहे पर्स हो, साड़ी हो, लहंगा हो या कोई फूड का काउंटर हो, सबसे बेस्ट है। अगर मैं कॉम्पिटार में जाऊँगी तो मैं किसी एक का नाम नहीं बताऊँगा, और इज गुड और बहुत ही अच्छा छोटी सी जगह में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। थैंक यू। और आपने किस तरह से आपका भी स्टॉल आपने घूमे, लेकिन क्या पसंद आया आपको? मुझे पसंद आया रखा हुआ है बेसिकली सब एग्जीक्यूशन के लिए आते हैं तो सबसे पहले सबको भूख लगती है, यहाँ पे वैरायटीज ऑफ केक्स है।